अगर आप अपना डाइजेशन हमेशा के लिए अच्छा रखना चाहते हैं तो एक गोल्डन रूल को फॉलो ज़रूर करें। दोस्तों, जब आप सुबह उठते हैं और सुबह आपको पिछले दिन डिनर में लिए हुए भोजन की डकार आती हो, उसमें भोजन का टेस्ट आ रहा हो, कभी खट्टी डकारें आ रही हो या पेट बहुत ही भारी महसूस हो रहा हो, तो इसमें अगर आप ब्रेकफास्ट कर लेते हैं या बगैर भूख के भोजन कर लेते हैं तो ये आपके डाइजेशन को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाने वाली चीज़ है। महर्षि चरक संहिता में बताते हैं कि रात्रि अजीर्ण यानी कि रात को खाए हुए भोजन का अगर सुबह इनडाइजेशन हो, उसकी डकार आ रही हो, पेट भारी हो, तो उस समय अगर आप भोजन कर लेते हैं तो ये आपके अग्नि को यानी जठराग्नि को बहुत ही ज़्यादा मंद कर देता है और उससे फिर एक विष चक्र यानी विशेष साइकिल शुरू हो जाता है, जिससे इनडाइजेशन, गैस बढ़ना, खट्टी डकारें आना, पेट भारी रहना या कब्ज़ जैसी प्रॉब्लम आगे आगे होती ही जाती है। इसलिए अगर आप सुबह जब उठते हैं तो आपको रात के लिए भोजन की डकारें आ रही हों, पेट भारी रखता हो, तो उस समय आपको ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए। बनस्पत उस समय आपको गुनगुना गर्म पानी पीते पीते जब तक आपको वो रात का इंडाइजेशन सोल न हो जाए तब तक कोई भी भोजन नहीं करना चाहिए और गर्म पानी को थोड़ा थोड़ा पीते रहना चाहिए, जिससे क्या होगा, ये जो है धीरे धीरे रात के इंडाइजेशन को क्लियर करेगा। इस समय ये पानी जो है वो औषध की तरह काम करेगा, क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया अजीर्ण भेषजम वारी, यानी कि अगर आप इंडाइजेशन में गर्म गुनगुना पानी पीते हैं तो ये आपके डाइजेशन को और इम्प्रूव करेगा और खाए हुए भोजन को अच्छी तरह डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। इसलिए ऐसे समय में आपको इस प्रकार से पानी का प्रयोग करना चाहिए।